तो इससे भी पहले जो है सॉल्यूशन चैप्टर का भी जो PYQ है, यानी उस चैप्टर से जो PYQ है किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी डिस्कस किया हुआ है। फिर केमिकल काइनेटिक्स से भी, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से भी जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस किया हुआ, उसको भी अपलोड किया हुआ है, तो जाकर के आप वो चैप्टर भी आप ज़रूर देखना। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से भी जो है किस तरह के क्वेश्चन जो है उसे PYQ पूछा है किस किस ईयर में, तो सारा चीज़ उसमें दिखाया गया है, तो आप जा करके वो भी ज़रूर देखना, ठीक है। आपको आसानी से मिल जाएगा प्लेलिस्ट केमिस्ट्री क्लास 12, उसमें सारे जो जितने भी 12 के वीडियो है वो सारे उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो जा करके आप ज़रूर एक बार चेकआउट करना, ठीक है। आप जो इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें देखेंगे और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कराएंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस ईयर में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उससे भी पहले कि अगर आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 है ना, प्लस H2 प्लस O2 है और एंड O2 और उसका पावर 2- है, तो मोलिकुलर आयन है, और इसका जो है आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। और ये क्वेश्चन जो है 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4D ऑर्बिटल। और ये क्वेश्चन जो है वो 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं कि राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। इसका बैलेंस इक्वेशन लिखना है, NaCl इज हीटेड विथ H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, ठीक है। और उसी में सेकेंड भी है, Br है, बी है ना, बी क्या है कि K2Cr2O7 है इज हीटेड विथ HCl। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जो है इसको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन जो है 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई वाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ दैट कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, ठीक है। इसको जो है एक्सप्लेन करना है, और ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द लेंथेनॉइड इन साइज वाई क्यों, ठीक है, बताना है। तो ये क्वेश्चन भी 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। और राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 24 Cr एंड 29 Cu एंड ऑल्सो मैंशन देयर वैलेंसी एज कैटायंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखते हैं कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन गिव, है ना, गिव होगा तो गिव टू एग्जांपल ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, ठीक है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इसका जो है दो एग्जाम्पल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, उसी में और है, ठीक है। तो ये हो गया, और उसी में और है कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिटेड बाय द लेंथेनॉइड एलिमेंट। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, फिर दो एग्जांपल देना है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का, फिर पूछ रहा है कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिटेड बाय लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसको जो है अच्छे से देख लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं आगे कि व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, आ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और एक्टिनाइट्स, ठीक है, तो इसे आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, जेडहन इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई, क्यों नहीं है जिंक, ठीक है, तो इसको आपको बताना है और उससे भी पहले बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू ट्रांजिशन शो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों ट्रांजिशन जो होते हैं वो शो करते हैं वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर में, तो क्यों करते हैं उसको जो है बताना है रीजन। तो ये क्वेश्चन जो है 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसके इफेक्ट को लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ये 2015 में पूछा हुआ है, इसको जो है बैलेंस करना है, ठीक है, यानी ये जो है इधर क्या होगा, ये जो है इधर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं, व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट, जेड एन इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई, ठीक है, ये रिपीट किया हुआ है, ये 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, क्यों क्यों फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विथ रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्रॉपर्टी लिखना है ट्रांजिशन एलिमेंट का, है ना, विथ रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, प्रेडिक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन सी यू एंड एफ ई, एफ ई का पावर 3+ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट, है ना, बाय द लेंथेनोइड्स, तो इसमें जो है डिफरेंस बताना कि क्या डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, और लेंथेनोइड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड शो मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, तो ये जो है क्यों होता है, तो इसका जो है रीजन बताना है। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड साल्ट, ठीक है, 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है आपको जो है बताना है, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पाइन वर्ली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन, जेड जो है 27 है, और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन भी यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो इसको भी जो है आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, और जितना बनता है उतना बनाओ, नहीं बनता है कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो है क्वेश्चन अभी आगे और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, ये ऑप्शन चार है और ये क्वेश्चन जो है 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये चार ऑप्शन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फिग्रेशन ऑफ Fe+3, ठीक है, तो ये जेड का यहाँ पर वैल्यू दिया है और ये क्वेश्चन दोस्तों जो है 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके जो है ये ऑप्शंस है ना दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है, 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शंस है, ठीक है।